नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, 21 दिन का लॉकडाउन, 21 दिन लॉकडाउन, ये है हमारा चौथा दिन। अब दिन कैसे बीतेगा ये तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा कि क्या करूं क्या ना करूं। दिमाग एकदम खाली सा हो गया। तो एज पर गवर्नमेंट लॉकडाउन 21 दिन और ये है लॉकडाउन का चौथा दिन। तो भाई साहब दिन कैसे बीत रहे मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बट ये दिन में आप कुछ नया कर सकते हो, कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते हो जिसको आपने बहुत दिन से सोच रखा है। तो आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपसे शेयर करूँगा ताकि जो पहले आप नहीं कर पाए हों वो आप इस 21 दिनों में करोगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूनिक होने वाली, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कोई शिकवा कोई मन में बात हो, कोई रुसवा हो, कोई प्यार हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियोस की। अब बात आती है कि आप इस 21 दिनों में क्या क्या कर सकते हो जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है। तो नंबर वन टिप है, आप इस 21 दिनों में कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा होम वर्कआउट करने की कोशिश। यानी कि अगर आप इस 21 दिनों में वर्कआउट करोगे तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करेगी। इसका रीजन ये है कि आप बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खा रहे हो। स्विगी जोमैटो भाई बंद है तो आप भी दिल से दुआ कर रहे हो काश स्विगी जोमैटो रहते जिंदा तो हम लोग यहाँ कुछ ना कुछ जरूर खाते। तो ये आपके लिए 21 दिनों में सबसे पहला पॉइंट है, आप वर्कआउट करना शुरू करो। मेरे वीडियो देखे या किसी के भी वीडियो देखे, लेकिन वर्कआउट इस 21 दिनों में आप जरूर करो, आपको फैट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दूसरी जो इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि आप कुछ स्पिरिचुअल और मेडिटेशन वाले बुक्स पढ़ो ताकि आपको थोड़ी सी नॉलेज बढ़े और आप अंदर से आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो थोड़ी सी बाहर निकले, ताकि आप किसी भी काम में आप करो तो आपको थोड़ा सा मेंटली वहाँ पर लग सको। जो हमारा दिमाग है वो बहुत अप्स एंड डाउन फेस करता है, तो अगर आप थोड़ी सी डिवोशनल और स्पिरिचुअल चीज़ें पढ़ोगे मच्छर तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी लाइफ के लिए भी और एक अच्छा लेसन आपको मिलेगा। कोशिश करो एक अच्छे बुक जो कि स्पिरिचुअल रिलेटेड हो वो आप जरूर पढ़ो इस 21 दिनों में। ये था टिप नंबर 2। तो बात करते हैं टिप नंबर 3, वो है खाना बनाना सीखो। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे एक सर्वे से पता चला है, मैं ये लड़कों के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप खाना बनाना आपको आता है तो लड़कियाँ उनको ज़्यादा पसंद करती हैं एज कम्पेयर उनको खाना बनाने में ही आता। तो कोशिश करो यार 21 दिनों में कुछ हद तक चीज़ें बनाना सीख लो, रोटी बनाना सीख लो, चावल बनाना सीख लो, नहीं कुछ बना पाओ तो खिचड़ी बनाना सीख लो। वैसे मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, तो लड़कियों अगर आप भी चाहो तो इस 21 दिनों पे आप खाना बनाना भी सीख सकते हो। अपनी मॉम की हेल्प करो ताकि थोड़ा सा उनको भी फील गुड हो, उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगे। तो इस 21 दिनों में आप खाना बनाना ज़रूर सीख लो। ये था हमारा टिप नंबर 3। तो जो चौथा टिप है वो अपने पुराने फ्रेंड्स को कॉल करो, उनसे बात करो, जिनसे आप बहुत सालों से कनेक्ट नहीं रहे हो उनसे बात करो, उनका हाल चाल लो, उनको बहुत ही अच्छा लगेगा, वहाँ की थोड़ी सी बॉन्डिंग बढ़ाओ। व्हाट्सअप मत करना बिल्कुल भी, कोशिश करना उनको पर्सनली 1-to-1 आप कॉल करके उनके माँ बाप के उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी हेल्थ कैसी है, इसके बारे में उनसे जरूर बात करो, उनको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको भी कुछ पुराने मेमोरीज याद आ जाएंगे। कोशिश करना कुछ अच्छे और पुराने फ्रेंड्स को आप जरूर याद कर लेना, भले वो आपकी एक्स ही क्यों ना हो। अब बढ़ते हैं टिप नंबर 5। तो टिप नंबर 5 है मेरे वीडियोस देखो। तो आप बोलोगे ये कौन सी नई बात है, तो आप लोग वैसे ही देखते ही हो, तो कोशिश करो मेरे जितने भी पुराने वीडियोस हैं वर्कआउट के वो आपको देखो, आपको कुछ नया और अच्छे से आएगा, दो वर्कआउट आपको यूनिक और नया मिल जाए, तो ये बहुत जरूरी है। तो पुराने वीडियोस देखोगे तो आपको कुछ नया जरूर मिलेगा, मैं आपको यहाँ से छोड़ ही देता हूँ। ये है हमारा टिप नंबर 5, मेरे वीडियोज आप जरूर देखो। जो हमारा टिप नंबर 6 है वो है घर की साफ सफाई में हेल्प करो अपने मॉम अपने डैड की, उससे आपका फैट लॉस भी होगा आपका। इसी बहाने समय डाउन लाइन आप कुछ हद तक कार्डियो कर लोगे और आपका मसल लॉस भी होगा, यानी कि आपका फैट लॉस और वेट लॉस दोनों होगा। कोशिश करो मॉम लोगों की थोड़ी बहुत जरूर हेल्प कराओ घर की साफ सफाई, थोड़ा बहुत हेल्प कर दो खाने बनाने में। अगर खाना बनाने नहीं आता तो कोशिश करो सब्जी काट दो, कुछ तो कर दो, बर्तन धुल दो। वैसे आपके घर में मेड नहीं आ रही है, अगर मेड आ रही है तो प्लीज उसको भी मना कर दो कि अभी तो बिल्कुल भी ना आए। ये था टिप नंबर 6, मॉम लोगों की हेल्प करो उनके घर के कामों में। मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो हमारा टिप नंबर 7 है वो है महाभारत या फिर रामायण देखना।
वैसे गवर्नमेंट दूरदर्शन पे टेलीकास्ट कर रखा है रामायण और महाभारत। अगर आप उस टाइम पे फ्री नहीं हो, कुछ काम कर रहे हो, तो यूट्यूब तक पूरे एपिसोड वन से लेके पूरा लास्ट तक आपको एपिसोड मिल जाएगा। तो कोशिश करो आधे घंटे, डेढ़ घंटे, दो घंटे, जितना भी आपके पास टाइम है उसको आप ज़रूर देखो। आप कुछ ना कुछ नया, आप कुछ पुरानी इतिहास आपको जानने में बहुत हेल्प मिलेगी और आगे चल के ये जनरल नॉलेज में भी बहुत हेल्प करेगी। तो ये है हमारा टिप नंबर 7, माइट बी अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मिलते हैं टिप नंबर 8। अब टिप नंबर 9 है, वो है छोटे भाई की हेल्प करो। अगर आपके घर में छोटा भाई है, उसका एग्जाम पोस्टपोन हो गया और नहीं है, या फिर एग्जाम हो गया, तो भी कोशिश करो हाफ एन आवर उसको बैठाओ, पढ़ाओ, कुछ अच्छी चीज़ें बताओ ताकि वो भी कुछ आगे सीख सके और आपको दिल से दुआ दे सको, मार के मत पढ़ना भाई साहब, बट हाँ कुछ अच्छी चीज़ उसको सिखाओ और इस 21 दिन में कुछ प्रोडक्टिव उसको आप दे दो ताकि उसको इन फ्यूचर हेल्प मिले। ये था टिप नंबर मेरा 9। अब आता है हमारा टिप नंबर 10, जो कि है स्किन केयर। अब ये बहुत गोल्डन टाइम है अपने स्किन का ध्यान रखने का। अब स्किन का ध्यान रखने का मतलब क्या है ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज़, आपकी स्किन इस समय डस्ट के कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं है, यानी कि लगभग 1-2% या डस्ट का कांटेक्ट में आ रहे हो। जब आप टेरिस पर जा रहे होगे तब तक ही है, बस घर में रह रहे हो। तो कोशिश करो एक नींबू स्प्रिंकल करो कटोरी में, बाउल में, और कॉटन के चेहरे पर लगाओ, 10 मिनट के लिए छोड़ दो, दिन भर में दो बार करो। आपके स्किन को ग्लो करने में कोई भी नहीं रोक सकता है, अगर जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम आपके पास नहीं है तो। स्किन ग्लो करेगी, फेयरनेस आएगी। इस रेमेडी को 2 हफ्ते जरूर ट्राई करो, रिजल्ट 100% मिलेगा। ये मृदुल मधुक नहीं, मैं बोल रहा हूँ, भाई साहब के पास तो हर चीज़ों का जुगाड़ है, देख लीजिए वीडियो में दिखा दे रहा हूँ, मृदुल मधुक का। रातों रात गोरे हो जाओगे भाई इस नुस्खे से, सही बता रहा हूँ, दुनिया देखती रह जाएगी। देख लिया, ऐसे ही है भाई साहब। अब जो टिप नंबर 11 है वो है वाटर। घर पे हो, पानी पीने का बहाना तो नहीं बोलोगे, ऑफिस में कितना बार पानी पीऊँ, वॉशरूम जाना पड़ता है, तो घर पे हो लगभग 200 बहुत ज़्यादा बोल दिया, 20 मीटर के रेंज में वो किचन होगा, हर एक घंटे पे एक ग्लास पानी ज़रूर पियो ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे और आपका स्किन ग्लो करने में हेल्प मिले। ये था हमारा टिप नंबर 11। रेगुलर बेसिस पे पानी पियो, नॉर्मल घड़े का पानी, मटके का पानी, फ्रिज का बिल्कुल भी नहीं, फ्रिज के पानी में थोड़ा कैलोरी ज़्यादा होता है। ये था हमारा टिप नंबर 11। टिप नंबर 12 है मेरा दूसरा पर्सनल फेवरेट, हॉरर मूवीज देखो। तो अच्छे अच्छे वेब सीरीज हैं, अच्छे अच्छे हॉरर मूवीज हैं, तो आप जाके देखो, नेट पे डेटा आपके पास अवेलेबल होगा ही, अगर वाईफाई नहीं है तो कोई बात नहीं है, मोबाइल पे देख लो, डाउनलोड कर लो, थोड़ा डेटा बचा के रखो। अगर मेरी राय हो तो मैं आपको यहाँ पे 2 मूवी का नाम बता रहा हूँ, एक वेब सीरीज का नाम बता रहा हूँ, दूसरा नाम बता रहा हूँ मूवी का। तो मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी है एज अबव एज बिलो, यहाँ पे मैं उसका पोस्टर डाल दे रहा हूँ, आप देखो, बहुत ही यूनिक, बहुत अच्छी मूवी है, बट पता नहीं आपको कैसे लगेगी। और एक साउथ की मूवी है तुम्बाड़, माइट भी आप लोगों ने देख रखी होगी, तो ये मास्टरपीस है, दोनों मूवीज आप जरूर देखो। इसके साथ मैं एक वेब सीरीज का नाम बता रहा हूँ जो कि है असुर, 9 एपिसोड है, 9 घंटे का वेब सीरीज है, बहुत ही टॉप क्लास, टॉप नॉच वेब सीरीज है, जरूर टाइम स्पेंड करना असुर देखने में, चाहे एज अबव एज बिलो देखने में। तो ये था हमारा टिप नंबर, मैं भूल गया, टिप नंबर 12। अब जो टिप नंबर 13 है वो है थोड़ा सा फैमिली के साथ बैठो, टाइम बिताओ। अब टाइम बिताना तो फ़ोन थोड़ा सा अपने पास से परे रख देना, क्वालिटी टाइम बिताओ, उनको लगे आप उनसे जेन्युइनली बात कर रहे हो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, उनको बहुत अच्छा लगेगा। उनके हालचाल के बारे में पूछो, उनके हेल्थ के बारे में पूछो, साथ थोड़ा सा कार्डियो कर लो, सब चल जाओ, रस्सी कूद के आ जाओ। वैसे मैं और पापा डेली लगभग, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पापा 70 रस्सी कूदते हैं, मैं 80 कूदता हूँ, बस एक बार, बहुत फोर्स नहीं करता पापा को, बट हाँ हम लोग दोनों लोग हाफ एन आवर कार्डियो छपते करते हैं। तो ऐसा रूटीन आप बना सकते हो अपने घर पे भी, बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट बनेगा। और एक जो बॉन्डिंग छूटी पड़ी थी ना, ऑफिस से आने पे घर पे सो जाते थे, कॉलेज से आके सो जाते थे, फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाते थे, आप इस 21 दिनों में वो सारी चीज़ें कर सकते हो। ध्यान रखना अपने फैमिली को जरूर टाइम दो इस 21 दिनों में। अब जो हमारा चौदहवा पॉइंट है वो है अपने हॉबीज को इम्प्रूव करो। जो भी आपकी कुछ पुरानी हॉबीज रही हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो गाने सुनने हो, तो इस 21 दिनों में उसको भी पूरे कर लो। डांस करना पसंद है, एक बहुत अच्छा सोर्स है कार्डियो करने का, तो वो भी हो जाएगा, डांस भी सीख लोगे। कोई से भी ट्यूटोरियल खोलो कि इस 21 दिनों में लगभग 8-9 गाने को तैयार कर लूँगी या कर लूँगा, तो ये आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस 21 दिनों में ये सारी चीज़ें करने की। ये थी हमारी टिप नंबर 14।
तो अब टिप नंबर 15 लास्ट है, इसको बहुत ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सुन लोगे समझ लोगे दिमाग की पत्ती खुल जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट बोल दूं। मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना, मजा नहीं कर रहा सीरियसली बोल रहा हूँ। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने से मैं रेगुलर अपडेट देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, और फ्री में डाइट चार्ट के लिए आप मुझे वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कुछ पर्सनल वन टू वन चैट करना जो मुझे आप कमेंट में नहीं कर पाते हो और उतना ओपनली नहीं बोल पाते हो, वो सारी चीज़ें मुझे पर्सनली, चाहे वो वीडियो कॉल पे हो चाहे डायरेक्ट चैट के थ्रू, वो सब सपोर्ट आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में पर्सनली हैंडल करता हूँ, किसी को दे नहीं रखा है, तो वहाँ पे मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना, नहीं मन करेगा मत करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो करना दिल से ज़रूर करना। ध्यान रखना इस 21 दिनों में ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा रहने चाहिए। बाय बाय, टेक केयर।